शूज डाउन प्लीज। ओके। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे वो मैं आपको देखने आई थी। क्यों? क्यों? नजमा ने कहा था कि मैं जाके देखूं कहीं आपको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। आप खिड़की से क्यों आए, दरवाजे से क्यों नहीं आए? खिड़की? हाँ वो दरवाजा, डोर। मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर ले जाए। नाइस सॉन्ग है, मैं अभी सुन के आई हूँ रेडियो पे। वो मैं दरवाजे से इसलिए नहीं आई क्योंकि आप कभी दरवाजा खोलते ही नहीं है, तो मुझे आना था फिर मैं खिड़की से आ गई। आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। ओके? दरवाजे से, डोर। क्या बेवकूफ बनाया मैंने मिस्टर खान को? हे टमाटर, हाईवे नंबर 13 पे जाने के लिए कौन सी बस लेनी होगी? आप हाईवे पर जा रहे हो? नहीं नहीं, हाईवे से होकर कहीं और जा रही हूँ। तुम्हें पता है नजमा, मैंने नेट पे सर्च किया, ये जो हाईवे है ना बहुत खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारी किडनैपिंग्स होती हैं। लास्ट मंथ तो 6 लोगों को किडनैप कर लिया, और लूट मार तो वहां पे होती रहती है। आप वहां अकेली जा रही हो? हाँ, अब क्या करूं, इतना इम्पोर्टेंट काम है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। You don't worry, मैं चली जाऊंगी, बस तुम अपना फोन अपने पास रखना, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। हाँ तुम कुछ कर तो नहीं पाओगी, पर फिर भी हौसला हो जाता है ना। और मैंने तो ये भी सुना है नजमा कि उस हाईवे पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, और मैं तो ये सोच रही थी जब मैं वहां जाऊंगी तो लैंडस्लाइड हो गई तो वहां तो फोन का नेटवर्क भी नहीं आएगा, फिर मैं क्या करूंगी। But you don't worry, मैं तो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ। I'm so brave, बस तुम पैनिक मत होना। हाँ और हाँ नजमा, अगर कहीं मुझे कुछ हो गया मेरे आपी और जीजू को फोन करके बस इतना कह देना कि जोया ने सलाम कहा था। ओके। तो मैं जा रही हूं नजमा। मिस्टर खान, इतना लंबा सफर है, ऐसे खामोशी से बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। नहीं एक काम करती हूँ, मैं एफएम रेडियो ऑन करती हूँ, कितने वियर्ड सॉन्ग्स आ रहे हैं, रहने देते हैं।
मिस्टर खान अर्ज किया है शेर थोड़े ना बोलने वाली थी मैं एक्चुअली मुझे बहुत सीरियस बात करनी है अगर शायरी में कहती हो ना तो आप बस शायरी की ब्यूटी में खो जाते हैं बात की डेप्थ में तो जाती नहीं है हम मिस्टर खान मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इंडिया आए हुए बहुत टाइम हो गया बट फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे एक होप नजर आ रही है एंड आई विश ये क्लूज मुझे मेरे अब्बू तक पहुंचा दे एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू थैंक यू सो मच मिस्टर खान यू वेलकम हम पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी सच्चाई लाकर रहेंगे मिस्टर खान यही वो स्ट्रक्चर है ये देखिए आई जस्ट कांट बिलीव दिस मैं अपने अब्बू के सच के इतना करीब हूं मिस्टर खान हमें अंदर चलना चाहिए देखिए
सेम फोटोग्राफ है ना मिस्टर खान? एग्जैक्टली सेम है। आई एम वाज राइट, यही वो घर है जिसे हम तलाश कर रहे थे।